बढ़ते हैं। तेल की धार पर सियासी तकरार जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर केंद्र और बीजेपी को घेरा। डोटासरा ने कहा कि पीएम ने स्टेट को वैट कम करने को कहा है और महंगाई का ठेकरा राज्यों पर फोड़ा। बोलने से पहले उनको एक्साइज ड्यूटी के बारे में विचार करना चाहिए था। राज्य सरकार ने 20 जनवरी 2021 को वैट कम किया था। बीजेपी नेता केवल माहौल बनाने में लगे हैं, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के प्रयासों में लगे हुए हैं। पीएम ने राजस्थान के लिए ERCP का वादा किया था, उनको आज तक नहीं निभा पाए। जबकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से हैं और उन्होंने 5 सितारा होटल में मीटिंग लेकर 13 जिलों के लोगों के घावों पर नमक छिड़का है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जी और भाजपा और RSS केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक भी ऐसा काम जिससे किसी आम व्यक्ति को कोई राहत मिली हो, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने केवल अपने आगामी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से अपने को पाक साफ साबित करने की नियति से महंगाई कम करने के मामले में ये ठीकरा राज्यों पर फोड़ करके वो इन चुनाव में जाना चाहते हैं, जनता को बरगला करके वोट लेना चाहते हैं, जो कतई होने वाला नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई जाती है तो इनको कोई चर्चा करनी नहीं आती है। जब कल मंदिर और मस्जिदों के सबके लाउड स्पीकर उतार लिए उत्तर प्रदेश में, तब इनको ये बात नजर में नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में 300 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और भाजपा के लोगों ने विरोध किया। घनश्याम तिवाड़ी भाजपा में थे, RSS में इनकी भारतीय भवन में क्लास लगाई गई। गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कैसे नरेंद्र मोदी जी ने विकास का नाम लेकर के मंदिरों को तोड़ा गया। आज ये लोग सो सो चूहे खाके बिल्ली हज को चली। एक भी मंदिर कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के द्वारा नहीं तोड़ा गया। जो राजगढ़ में मंदिर तोड़ा गया वो मंदिर भारतीय जनता पार्टी के नगरपालिका के मंडल के द्वारा, उसके अध्यक्ष के द्वारा तोड़ा गया और हमारी सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया और अधिकारी की गलती है उसको भी सस्पेंड कर लिया। और बाबा किरोड़ी का तो क्या है, देखो बाबा किरोड़ी तो वो कहते हैं ना कि होली है बुरा मत मानो। अब उनको तो भाजपा वाले तो पूछ नहीं रहे। पहले दिन तो किरोड़ी जी करते हैं, 2 घंटे बाद में BJP करती है, फिर 3 दिन बाद में वो करते हैं। और जब व्यक्ति से वो मिलते हैं तो सभी नेताओं से एक ही बात कहते हैं, देखो भाई मेरे को BJP तो मान नहीं रही, मुझे तो मेरी दुकान चलानी है इसलिए मुझे तो ये करना पड़ता है। ये एक तरीके से डबल एजेंडा है किरोड़ी जी का। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी के समय नियुक्त सभी अधिकारी या जो राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठा करके एक तरीके से केंद्र के अमित शाह और मोदी के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, जो उनसे दुश्मनी है इसलिए उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनके नेतृत्व को क्रेश करना चाहते हैं और आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी में 10 साल वो आउट रहे उसको वापिस भरपाई करने की जुगाड़ में है। इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है। मैं तो यूं मानता हूं कि बुरा न मानो होली है। अपनी विदेश नीति अच्छी बना करके चाइना से अपनी जमीन जो अब आपके राज में कब्जा कर ली गई है उसको छुड़ाने के लिए आपने आज की तारीख तक कोई नहीं किया है। हमारे राजस्थान से 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद आपने एक फूटी कोड़ी पैसा नहीं दिया। और जो ERCP का आपने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, आपका यहाँ का जल संसाधन मंत्री और केंद्र के जो देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा यहाँ करके गए थे उसको आज तक नहीं निभाया।